नमस्कार, आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल में सब्जेक्ट कोड सीई 206 सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसमें चैप्टर 2 है, फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर को आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ और मैं पहले बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को लूँगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस और उनको मैं हल करूंगा ताकि अपना चैप्टर साथ साथ में होता रहे। तो सबसे पहले जो मैं एक प्रश्न ले रहा हूं वो है कि मृदा की तीन अवस्था या प्रावस्था यानी कि थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल क्या होता है। तो ये प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए थे 2019, 2013 और 2012 में। अब इस प्रश्न को समझने के लिए पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक सॉइल सैंपल में क्या क्या होता है, मृदा प्रतिदर्श में क्या क्या होता है। हम जब किसी सॉइल सैंपल की बात करते हैं तो उसमें पहली बात तो हो गई ठोस मृदा, यानी कि जो मृदा के कण होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं वो, और एक इन सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उनके मध्य में स्थान होता है जिसे कहते हैं रिक्तियाँ यानी कि वॉइड्स। तो ये जो रिक्तियाँ हैं इनको भरने के तरीके या तो इसमें हवा हो या पानी हो या दोनों ही हो, हवा पानी का मिश्रण हो। तात्पर्य ये है कि एक सॉइल सैंपल जो है वो तीन भागों में बटा होता है, ठोस मृदा कण, पानी और वायु यानी कि हवा। अब ये तीनों आपस के अंदर मिक्स होते हैं, एकदम से एम्बेडेड होते हैं। तो हम सुविधा की दृष्टि से इनको अलग कर देते हैं ताकि अपन को समझने में आसानी रहे। होते तो ये मिक्स हैं बिल्कुल, इनको अलग नहीं कर सकते आप, एक दूसरे के अंदर मिक्स है सारे ये। लेकिन समझने के हिसाब से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह दो, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कह दो, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। हमने क्या किया कि जो सॉइल का जो सॉलिड पोर्शन है उसको अलग बना दिया, ये लाइनिंग करके, हैचड करके। जो पानी वाला हिस्सा है उसको अलग कर दिया, इसमें वाटर शो कर दिया डैश डैश डैश, और हवा वाले हिस्से को खाली छोड़ दिया। तो ये तीन हिस्से हो गए, एयर, वाटर एंड सॉलिड्स। ये मैंने दो बनाए हैं, एक आयतन की दृष्टि से और एक भार की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू वेट। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है एयर, इसको अपन वायु कहते हैं, दोनों शो कर दिया मैंने। ये बीच में जो वाटर है इसको जल कहते हैं, जल कह दो, पानी कह दो, और नीचे वाला जो है ये ठोस जो है, ये ठोस मृदा कण है, सॉलिड्स हैं। अब आयतन की दृष्टि से हम क्या करते हैं कि जो ये हवा है ना, ये वायु जो है, इसको अपन कहते हैं आयतन में वी ए, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ए मीन्स एयर यानी कि हवा का आयतन यहाँ से यहाँ तक, फिर वी डब्ल्यू यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, फिर वी एस यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। भार की दृष्टि से बात करें तो हवा भार रहित मानी जाती है, तो वायु का जो भार है वो शून्य है, जीरो है, यानी कि वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू जीरो। वेट ऑफ वाटर को मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू कैपिटल, ये डब्ल्यू स्मॉल है। और वेट ऑफ ड्राई सॉलिड जो होता है या सॉलिड सॉलिड जो होता है उसको हमने कहा डी, डी स्टैंड फॉर ड्राई एक्चुअली, इसको ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसके हिसाब से इसको डब्ल्यू डी ही लिखा जाता है, डब्ल्यू कैपिटल डी स्मॉल। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो पानी का भार और सॉलिड्स का भार मिलकर ये मृदा का भार बन जाता है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ लिखा भी नीचे देखिएगा, टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। लेकिन जब आयतन की बात करते हैं तो यहाँ टोटल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ एयर भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी आएगा। ये जो बातें मैंने आपको अभी कही है वही सब मैंने यहाँ पे आपके लिखी हुई है इस प्रकार से। तो ये मृदा की त्रि अवस्था या त्रि प्रावस्था की बात है कि मृदा को हम तीन भागों में बांट सकते हैं और उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हमको मृदा को स्टडी करने में बहुत आसानी होती है और बाद में जो कैलकुलेशंस करेंगे अपन, फॉर्मूले जो अलग अलग डिराइव करेंगे उसमें भी इसमें बहुत आसानी होती है, इसलिए इसको इस प्रकार से मान लेते हैं। अब उसके पश्चात एक बिंदु आता है, मैंने सारा आपके एज पर सिलेबस ही लिया है, आपका जो सिलेबस है सब्जेक्ट का उसके हिसाब से प्रश्न बनाए।
अगर कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा गया तो उसको मैंने अपने मन से बना लिया ताकि आपकी पढ़ाई होती रहे। एक शब्द आया जलांश, जलांश की अगर मैं संधि उच्छित करूँ तो जल प्लस अंश, जल का अंश, सॉइल के अंदर जल का अंश कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, तो जलांश को कहते हैं इंग्लिश में वाटर कंटेंट। कई बार इसको मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसका जो है, इसकी जो परिभाषा देखिए, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर सॉइल के अंदर जो पानी का भार है और उसमें जो ड्राई सॉलिड्स जो है, इसके वाले जो ठोस मृदाकण जो हैं, उसका जो भार है उसका अनुपात ले लें, रेशियो ले लें, तो वो जलांश कहलाता है, यानी वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू। अब हमें इसका उत्तर जो देना होता है जलांश का, या हमको जो प्रश्न में मिलता है जलांश का मान, वो सामान्यतया परसेंटेज में मिलता है, 4%, 12%, 18%, 20% इस प्रकार से मिलता है। तो अगर हमको मान लीजिए उत्तर देना हो परसेंटेज में, कैसे देंगे, जो हमारा वैल्यू आया, रेशियो जो आया डब्ल्यू डब्ल्यू अपन डब्ल्यू डी, इसको 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 100 से गुणा कर देंगे ये जलांश परसेंटेज में आ जाएगा। ये बात मैंने लिखी भी है यहाँ पे नोट के अंदर कि क्वेश्चन में इसे परसेंटेज में दिया जाता है। दूसरा नोट, आंसर भी इसका परसेंटेज में ही दिया जाना चाहिए। अगर आपका आंसर मान लीजिए 0.18 आया तो इसको 0.18 नहीं लिखना, आपको आप लिखना 18%। और फॉर्मूले में इसका मान हमेशा दशमलव भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में जलांश दे रखा है 12%, तो इसको 12 नहीं लिखेंगे फॉर्मूले में, इसको 12/100 यानी कि 0.12 लिखेंगे। लिया ना एग्जाम्पल, अगर ये डब्ल्यू आपको 12% दिया हो तो सूत्रों में इसको 0.12 लिखा जाएगा। 12% का मतलब 12/100 यानी कि 0.12 होता है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न बन गया, कभी आ जाए तो, कि भाई जलांश का क्या मतलब होता है। अब तीसरा जो प्रश्न मैंने बनाया है और जो ये आपके 2013 और 2003 में आया हुआ है कि मृदा के इकाई भार अथवा घनत्व को समझाइए या परिभाषित कीजिए, सॉइल के यूनिट वेट या सॉइल के जो इसकी डेंसिटी, उसको आप समझाइए। तो देखो क्या होता है, इकाई भार से तात्पर्य है इकाई आयतन का भार। जब भी बात करते हैं कि इकाई भार क्या है या एकांक भार क्या है, यूनिट वेट क्या है, यानी कि इकाई आयतन का भार, अगर हम कहते हैं कि टोटल वॉल्यूम वी का वजन है डब्ल्यू, तो यूनिट वॉल्यूम का कितना होगा, डब्ल्यू बटा वी, यानी कि वेट अपॉन वॉल्यूम। तो आप वेट के अंदर वॉल्यूम का भाग लगा देंगे तो एकांक भार हो जाएगा। अब जो यूनिट वेट की होगी और जो होगी वॉल्यूम की, उसके हिसाब से इसकी इकाई बन जाएगी। अब कई बार ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कई बार किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वो तो जो जो प्रश्न में आएगा उसके हिसाब से इसकी इकाई बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखिएगा कि मृदा की किसी भी अवस्था में, मृदा की अलग अलग अवस्था होती है, पूर्णतया संतृप्त यानी कि फुल्ली सैचुरेटेड, पूरी तरह से सूखी मृदा भी होती है, समर्ज भी होती है, तो अलग अलग स्टेज में जो मृदा होती है तो उसके हिसाब से इसके यूनिट वेट भी अलग अलग होते हैं, वो बाद में डिफाइन करेंगे। फिलहाल तो हमने जो बताना था कि मृदा के इकाई भार अथवा घनत्व का मतलब क्या है, उसको परिभाषित करो। तो मृदा के इकाई भार या मृदा के घनत्व से मतलब है, यानी उसकी डेंसिटी से मतलब है, मृदा का भार बटा मृदा का आयतन, और किस रूप में है वो अलग बात है। तो लिखा मैंने, मृदा की किसी भी अवस्था में उसके भार व आयतन के अनुपात को मृदा का इकाई भार या एकांक भार या घनत्व कहते हैं। इंग्लिश में बोलूँ तो यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ सॉइल इन एनी स्टेज इज रेशियो ऑफ इट्स वेट एंड वॉल्यूम। अब एक मैंने प्रश्न और जो लिया है वो ये है कि मृदा के इकाई भारों या घनत्वों को लिखकर संक्षेप में समझाइए, जितने भी तरह के यूनिट वेट्स हैं उनको हमको लिखना है और शॉर्ट में समझाना है। तो देखिए, सबसे जो पहला आता है डेंसिटी सॉइल के अंदर, वो आता है स्थूल घनत्व, इसको कहते हैं इंग्लिश में बल्क डेंसिटी। इसको अपन इस प्रकार से करते हैं प्रदर्शित, घामा, और घामा इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी सॉइल का टोटल वेट कितना है और उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। टोटल वॉल्यूम से मतलब सब आ गया,
एयर, वाटर, सॉलिड सब शामिल है इसके अंदर। तो टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का अगर अपन भाग लगा दें तो ये जो रेशियो आएगा उसे कहेंगे स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी। टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, न्यूटन पर एमएम क्यूब, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, जो भी होगा बाद में एग्जाम में देख लेंगे इसको। उसके बाद जो आता है शुष्क घनत्व यानी कि ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी मतलब होता है कि पानी को पूरा उड़ा देते हैं, इसको ओवन में गर्म करके सॉइल को पानी इसका बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, मृदा सूखी हो जाती है, यानी कि वॉइड्स के अंदर पानी ख़त्म, केवल एयर। तो वो जो सॉइल होती है उसको कहते हैं ड्राई सॉइल। तो उसका घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो ड्राई सॉइल है ना उसका वेट नापते हैं, डब्ल्यू डी, वेट ऑफ सॉइल। जब पानी सूख गया तो क्या बचेंगे, सॉलिड बचेंगे और हवा का भार तो होता नहीं है। तो ड्राई सॉइल का वेट कहूँ या वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स कहूँ, एक ही बात है, डब्ल्यू डी अपॉन वी, वी टोटल है, इसमें सब आ गया, यानी कि सॉलिड्स का आयतन प्लस जो वॉइड्स है उसका आयतन मिलाकर। तो गामा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन वी, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसके बाद आता है संतृप्त घनत्व या सैचुरेटेड डेंसिटी। अब आपने पानी इतना भर दिया सॉइल के अंदर कि जितने वॉइड्स है वो सारे पानी से फिलअप हो जाएँ, यानी कि एयर को कर दे बिल्कुल रिमूव और उसका स्थान ले ले पानी, यानी वॉइड्स के अंदर पानी के अलावा कुछ भी नहीं हो। नॉर्मली जो होता है वॉइड्स वो पानी और हवा का योग होता है। देखिए मैंने इसको यहाँ लिखा भी है, तीन अवस्था या तीन प्रावस्था में यहाँ ऊपर लिखा है यहाँ मैंने कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी अगर ये वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जाए और जो वॉइड्स है पूरा पानी से हो जाए तो सॉइल हो जाएगी सैचुरेटेड, और अगर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो जाए यानी पानी उड़ जाए और केवल एयर का जो वॉल्यूम है वही वॉइड्स का वॉल्यूम बन जाए तो सॉइल हो जाएगी ड्राई। तो ये बातें आपको मैंने बताई थी। तो यहाँ पर वापस मैंने रिवाइज किया इसको कि गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन वी, यानी कि जो संतृप्त मृदा है उसका भार जो बिल्कुल पानी से भरी हुई है, वॉइड्स में पानी भरा हुआ है, एयर बिल्कुल नहीं है, उस मृदा का भार, उस सॉइल सैंपल का वजन और टोटल वॉल्यूम जो है उसका भाग लगा दिया कुल आयतन का, तो डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन कैपिटल वी, ये हो गया गामा सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त घनत्व या सैचुरेटेड डेंसिटी। और इसके बाद एक और आता है इसमें, ये मैंने लिखा है यहाँ पे एक चीज़ समझने के लिए और आपके लिए कि संतृप्त मृदा यानी कि सैचुरेटेड सॉइल से अर्थ है रिक्तियों में केवल जल ही होना वायु नहीं, रिक्तियों में केवल जल ही होना वायु नहीं, ये बात मैं बोल चुका था और मैंने यहाँ पे समझा दी। जो वॉइड्स है ना उसमें केवल वाटर ही होगा, वायु बिल्कुल भी नहीं होगी। चौथा जो डेंसिटी है वो है निमग्न घनत्व या सबमर्ज्ड डेंसिटी, इसको अपन गामा डैश कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है हम परिभाषित जो करते हैं डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम। डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड का मतलब समझ लीजिएगा, आपने सॉइल सैंपल को पूरा सुखो दिया ओवन में और उस मृदा का, सूखी हुई मृदा का पानी में डूबो कर भार लिया। आप अच्छी तरह जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत से कि अगर आप किसी ठोस वस्तु को पानी में डुबाएंगे तो उसके भार में कमी आती है और वो कमी उसके द्वारा हटाए गए या विस्थापित किए गए पानी के आयतन का जो भार होता है उसके बराबर होती है। तो अगर हम सूखी हुई मृदा को जो टोटली ड्राई है उस सॉइल को पानी में डुबा कर उसका वजन नापेंगे वो कहलाता है डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड या निमग्न जो मृदा है उसका वजन, और उसमें जो उसका वॉल्यूम है किसका, उस सॉइल सैंपल का, उसका भाग लगा देंगे, ये जो बनेगा इसको कहेंगे गामा डैश यानी कि सबमर्ज्ड डेंसिटी। लिखा मैंने यार डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड का मतलब लिखा मैंने क्या है कि पूर्णतया शुष्क मृदा का
जल में डुबो कर लिया गया भार, और वी का मतलब कुल आयतन। एक डेंसिटी और भी होती है जिसको मैं बाद में लूँगा, वो होती है डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अगर उसको नंबर 5 कह दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैंने यहाँ 4 लिखे हैं अब तक, एक 5 ले सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स वो होता है गामा एस अपॉन वी एस। इसमें डेंसिटी केवल सॉइल की है, यानी सॉरी इसको कहेंगे अपन गामा एस इज इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन वी एस, यानी जो सूखी मृदा है उसका वजन, और केवल सॉलिड का आयतन लेंगे, केवल सॉइल सॉलिड्स का, इसमें वर्ड का शामिल नहीं होगा। तो अगर अपन डब्ल्यू डी के अंदर यानी सूखी मृदा के भार के अंदर केवल सॉइल का जो वॉल्यूम है उसका भाग लगा देंगे, इसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ये बाद में काम आएगा, कैपिटल जी निकाल हम इसको काम में लेंगे बाद में हम, ठीक है ना। तो 5 हो गए थे, तो 5 तरह की अपने के ये कुल डेंसिटी हो गई। 4 मैंने बता दी, 5 भी मेरे को याद आ गई बाद में, इसको मैंने लिखवा दिया आपको। डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, शुष्क मृदा कणों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स डब्ल्यू डी अपॉन वी एस। अब इसमें एक और प्रश्न बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। जल के घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मृदा के निमग्न घनत्व व संतृप्त घनत्व से क्या संबंध है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन फॉर डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन फॉर डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड व्हाट इज द रिलेशन विद सबमर्ज्ड डेंसिटी एंड सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल, एंड व्हाट इज इट्स रिलेशन। यानी ये जो मैंने बात की है जल के घनत्व की, इसका सैचुरेटेड डेंसिटी और सबमर्ज्ड जो होते डेंसिटी उससे क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर को अपन गामा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे पूरे बुक के अंदर, पूरे कोर्स के अंदर जब सॉइल पढ़ेंगे मैं कहूँगा गामा डब्ल्यू। गामा स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाटर, तो ये आ गया डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर या जल का एकांक भार। तो अगर हम 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर लें, एक ऐसा टैंक लें पानी का जिसकी तीनों नाप 1 मीटर है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, उसमें पानी भर दे पूरा, तो उसका जो वजन आएगा वो आएगा 10 किलो न्यूटन। आप पढ़ा होगा कि पानी का घनत्व होता है 1000 kg/m³, पुरानी इकाई के अंदर वो 1000 kg नहीं होता, 1000 kg फोर्स होता है, और 1 किलोग्राम फोर्स में वैसे तो 9.8 न्यूटन होता है, पर हम कैलकुलेशन में 10 लेंगे, यानी 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है 10 न्यूटन। तो अगर 1000 किलोग्राम है, इसका 1000 × 10 कर देंगे तो 10,000 हो गए न्यूटन, और 10,000 न्यूटन का मतलब हो गया 10 किलो न्यूटन, इट मीन्स 10 किलो न्यूटन/m³ या 1 g/cm³, 1 g/cc एक ही बात है। तो ये गामा डब्ल्यू की वैल्यू होती है, आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल्स में, या तो ये काम लेंगे या फिर ये काम लेंगे, या फिर जो यूनिट होगी उसके हिसाब से हम काम लेंगे। प्रश्न क्या था कि जल के घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो गामा डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है, उसका रिलेशन क्या था। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, और उचित समय पर मैं इसको प्रूव भी करूँगा कि गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अगर आप संतृप्त मृदा के घनत्व में से पानी का घनत्व घटा दें तो सबमर्ज्ड घनत्व आ जाएगा। सिंपली है, वैसे मैंने कहा था अभी आपको, जब पानी में डुबो के सूखी मृदा का भार लेते हैं तो ये सबमर्ज्ड मृदा का भार आता है, उससे बनाइए। तो ये मैंने आज आपको 5 छोटे छोटे प्रश्न बनाकर जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, आगे भी मैं पूरा कोर्स कराऊँगा आपको एज पर सिलेबस, लाइन्स ऑफ सिलेबस पर कराऊँगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करो, और अगर आपने मेरे चैनल आरपी व्यास क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस बराबर मिलते रहें, आपकी परीक्षा तक सारा काम हो जाए, सब कोर्स पूरे हो जाए। केवल ये सॉइल नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्ड ईयर सिविल के अंदर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, RCC डिज़ाइन है,
मैथमेटिक्स मैकेनिक्स है, क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स है, सारे तमाम विषय मैं डील करता हूँ और अपने चैनल पर बार बार समय के अनुसार टाइम टू टाइम अपलोड करता हूँ, सबके अच्छे के लिए आपके काम आएंगे। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।